नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग वाला में। दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आई है उसके बारे में। आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि इसी प्रकार की और भी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नवंबर का लास्ट वीक है उसमें या दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सी पोस्ट आएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कहाँ से कितने फॉर्म भर सकते हैं, ये सब चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बात करने वाले इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट की बात करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पोस्ट, ठीक है। पोस्ट का नेम है पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीस। तीन पोस्ट पे वैकेंसी होने वाली है मेरे भाई, तीन पोस्ट पे वैकेंसी होने वाली है, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीस। वैकेंसीज की बात करें, कुल 98,083 वैकेंसी होने वाली है, कुल 98,083 वैकेंसी होने वाली है। गवर्नमेंट जॉब है, इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, मतलब परसेंटेज के बेस पे, जिनकी परसेंटेज अच्छी है उसके बेस पे ही इसका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन है 23 सर्किल अराउंड नेशन। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, indiapost.government.in, इसकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इसकी कि जो इसका जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया नवंबर 2022 में। इसकी जो रजिस्ट्रेशन और इसकी लास्ट डेट और इसकी पीस की लास्ट डेट अभी डिक्लेयर कर दी जाएगी, पर यह है कि नवंबर का लास्ट वीक या इसके बाद में दिसंबर का फर्स्ट वीक, इसमें इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है वो आ जाएगी, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म इसके भरने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कहां कहां से कितनी वैकेंसी है, तो देख लीजिएगा यहां पे राज्यों से, सभी राज्यों से वैकेंसी है। राजस्थान की बात करें अपन तो राजस्थान में 2135 पोस्ट है पोस्टमैन की, 2135 पोस्ट है पोस्टमैन की। आगे बात करें अपन मेल गार्ड की 63 पोस्ट होने वाली है। आगे बात करें अपन एमटीएस की, तो एमटीएस की 1336 पोस्ट होने वाली है। अगर हम सभी पोस्टमैन की बात करें, पोस्टमैन की 59,099 पोस्ट होने वाली है। मेलगार्ड की बात करें, मेलगार्ड की 1445 होने वाली है। एमटीएस की बात करें, 37,539 टोटल पोस्ट होने वाली है। कुल मिला के ऐसे करके 98,000 से ज़्यादा पदों पे ये वैकेंसी है। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी आगे बात कर लेते हैं पोस्टमैन की, मैंने बताया 59,099 पोस्ट पे वैकेंसी है। मेल गार्ड की है 1445 पे, एमटीएस की 37,539 पे। टोटल जो पोस्ट होने वाली है 98,083 पोस्ट पे ये वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों आगे हम इसकी एग्जाम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिएगा पोस्टमैन की जो एग्जाम क्वालिफिकेशन रखी गई है, पोस्टमैन के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th और 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आप 10th या 12th पास होने चाहिए, आप चाहे कोई सी भी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, कोई सी बोर्ड से हो उससे कोई मतलब नहीं है, 10th या 12th पास होने चाहिए। इसके बाद में आप मेल गार्ड की बात करें, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मस्ट हैव बेसिक कंप्यूटर स्किल, मतलब दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है। बस मेल गार्ड की बात करें तो इसमें बेसिक कंप्यूटर स्किल्स अलग से ऐड की है, मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एमटीएस की बात कर लेते हैं, कैंडिडेट शुड हैव पास 10th 12th, मतलब 10th 12th इसमें भी रखी गई है और इसमें भी क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब पोस्टमैन है उसमें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं मांगा गया। बाकी एमटीएस और मेल गार्ड की बात करें तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर्स की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 32 साल रखी गई है। इसकी एज लिमिट 18 से 32 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। और इसके अलावा जो सभी कैटेगरीज में एज की आयु की छूट है वो जैसी थी वैसी छूटें सबको मिलने वाली है, जैसी की जैसी छूटें सबको मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो सबको ऐसी कैसी जो छूटें हैं SC को, ST को, सभी कैटेगरीज को उनकी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलने वाली है। दोस्तों आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको दोबारा से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, दोबारा से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।